तो नमस्ते दोस्तों, आप सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूं। दोस्तों आज मैं सारे दोस्तों के साथ हूं। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न करने वाला हूं कि ये जो मेरे बराबर के जो बच्चे हैं इनके लिए हमारा जो मेरे बराबर के बच्चों के लिए अंकल जी की क्या गाइडेंस है? नमस्ते मेरी। नमस्ते बेटा। तो अंकल जी, मेरे जैसे बच्चों के लिए आप क्या गाइडेंस है? मुझे पहले उसके पहले मुझे ये बात बताओ कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और उसके अलावा तुम क्या क्या करते हो? मैं 6th में पढ़ता हूँ और बाकी फिर समर वेकेशन से अपना गुरुकुल जाते हैं। तो ये गुरुकुल अच्छा लगता है तुम्हें? क्या क्या होता है गुरुकुल में? बहुत से तरीके के गुरुकुल होते हैं। जैसे कुछ गुरुकुल है जैसे वेदांत है, उसके अंदर बच्चों को ICSE विद वेद पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत तरीके के गुरुकुल हैं। गुरुकुल जो है इस दिनचर्या गुरुकुल में जो है, मान लो तुम समर वेकेशन में जाते हो 2-3 महीने के लिए, तो सुबह से लेकर शाम तक गुरुकुल में क्या क्या मतलब गतिविधियाँ होती है? मेरे वाले गुरुकुल में तो सुबह के 4:30 बजे उठाते हैं, उसके बाद 5 से 6 बजे तक सब बच्चे संध्या करते हैं, उसके बाद 6 से 7 सब लोग योगा करते हैं, बीच में तो थोड़ा आते हैं, और बाकी फिर उसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक थोड़ा अपना खाना बनाते हैं और थोड़ा जो छोटा काम सब करते हैं। बाकी जो है अगर 8 से 8:30 तक सब लोग अपना भोजन कर नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद 9 बजे से सब बच्चों की कहते हैं दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। नौ से दस तक तो पाठ होता है, उसके बाद गुरुजी 10 से 12 तक वेद पढ़ाते हैं। है उसके बाद 12 से 2 बजे तक, हाँ 12 से 2 बजे तक तो कहते हैं सब बच्चे खाना वाना बनाते हैं। है उसके बाद कहते हैं जल्दी से खा के 4 बजे से 6 बजे तक एक और क्लास होती है वेद की, उसके बाद 6 बजे आते हैं, 6 के बाद सब बच्चे संध्या करते हैं अपनी, उसके बाद वापस से 2 बजे आते हैं, गीता पढ़ाने बैठते हैं सब बच्चों को, उसके बाद गीता पढ़ाते हैं, बस सब बच्चे खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं। बढ़िया। वैसे तो ये गुरुकुल की जो परंपरा थी, गुरुकुल शिक्षा की, हम बहुत पुराने काल से इसको देखते आए हैं कि राजा महाराजा भी जो है इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद वो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने से मतलब पढ़ाने के लिए भेजते थे, और उसका जो है क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, उनको समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है। वो कट कर देना ओके। तो तुमने सुना होगा या जब गुरुकुल में तुम जब गए तो उस समय तुमने तुम्हारे गुरुओं से ये बात सुनी होगी कि गुरुकुल एक गुरुकुल में शिक्षा का जो है एक अपना अलग से महत्व है। पुराने काल में राजा महाराजा इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी वो सारी खुशियाँ, वो सारे ऐशो आराम वो त्याग कर उनको अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे समय के साथ जो है शिक्षा में बहुत सारा अंतर आ गया और हम जो है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के पीछे भाग गए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, इंजीनियरिंग में कई कई नए आयाम आ गए, और वो किसी भी देश के लिए या किसी भी मानव प्रजाति के लिए वो होना ज़रूरी है, उस तरीके के आयाम होना ज़रूरी है। लेकिन कहीं कहीं ये लगता है कि अभी इस टेक्नोलॉजी ने हमारा पूरा जीवन जो है ना वो ऐसे उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि निर्भर कर दिया है। हम अगर 2 मिनट हमारा मोबाइल कहीं पर छोड़ दिए
उसके बाद में तीसरे मिनट में अगर मोबाइल नहीं देखे तो हमें बेचैनी सी होती है। अभी 5 मिनट पहले लाइट चली गई थी, फिर भी हम आश्वस्त हो गए। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर निर्भर होने लगे हैं। सही है। तो मेरा अभी जो भी मतलब जनरेशन के जो भी बच्चे हैं, मुझे उनसे मतलब एक उम्मीद ये होती है कि आप टेक्नोलॉजी सीखो, आप अपने भविष्य के लिए जो है जो भी आप जो उस समय का जो प्रेम हो उस तरीके से आप करो, लेकिन जो अपनी धरोहर है, जो वेद में है, जो शास्त्रों में है, जो पुराणों में है, उसको हम संस्कृति जिसको बोलते हैं, उस संस्कृति का जो एक बढ़ावा देना, मान सम्मान और उस संस्कृति को बरकरार रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब मैं देखता हूँ कि अब तुम CBSE में पढ़ रहे हो 6 में, उसके बावजूद भी जो है तुम वेदों का भी अभ्यास कर रहे हो या गुरुकुल शिक्षा में जा रहे हो उस वेकेशन में, ये बहुत अच्छी बात है। ये दोनों जो तुम कर रहे हो, ये मैं बाकी लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, बाकी बच्चों से भी उम्मीद करता हूँ, वो अपने जीवन में एक जो है बैलेंस करके वो अपना लाइफ जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं, और एक अपना भविष्य के साथ साथ तो देश का भविष्य इसी तरीके से बच्चे कर सकते हैं। मुझे लगता है वीडियो नहीं आएगा ना। तो ये कट करके मैं दोबारा बोलता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो अपना टेक्नोलॉजी या जो भी एक नए नए शिक्षा के आयाम जो सामने आ रहे हैं और उसके तहत जो शिक्षा पद्धति में बदलाव हो रहे हैं, आपकी जनरेशन को उसको भी अपनाना जरूरी है। साथ साथ जो अपनी धरोहर है, जो संस्कृति है, जो वेद है, जो शास्त्र है, जो पुराण है, उसको भी जो है साथ लेकर चलना है, और किसी से जो है जीवन में बैलेंस आप लोग जो है बना के चल पाएंगे, और आपका भविष्य और देश का भविष्य जो है आप उज्ज्वल कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी हो गई कि तुम इन दोनों चीज़ों में मतलब रुचि रखते हो और उस तरीके से उन चीज़ों में मतलब एक्टिविटीज में उसके शामिल भी होते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो तुम जिस तरीके से मतलब जो पढ़ रहे हो या जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, हर एक गुरुकुल वेकेशन में जब तुम गुरुकुल में जाते हो उसके बाद जब लौटते हो, तो ये शेयर करो। नहीं तो आजकल के बच्चे जो है इनको या तो किसी न किसी वीडियो गेम में अटके हुए हैं या मोबाइल में अटके हुए हैं, बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं। मेरे अपने खुद के अनुभव हैं इस तरीके के कि जो है ये नए नए जो टेक्नोलॉजी जैसे सामने आएगी, अलग अलग तरीके से इस नए जनरेशन के ऊपर वो हावी होने की कोशिश करेगी, लेकिन इन सब का समाधान जो है मुझे लगता है कि ये गुरुकुल के वेद, ये शास्त्र और इस परंपरा को जो आगे ले जाने के लिए जो प्रयास कर रही है संस्थाएं, इनका बहुत बड़ा योगदान भविष्य में भी है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात, मेरे विचार तुम तक पहुँच गए होंगे। तो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ऐसे तुम बेटा आगे बढ़ते रहो, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को इस चीज़ में पता चले।